जिलाधिकारी व कैबिनेट मंत्री के हस्तक्षेप के बाद हुआ नकली घी माफिया का गोदाम सील। भले ही उत्तर प्रदेश सरकार खाने पीने वाले पदार्थों की जांच खाद्य विभाग द्वारा करा रही हो, लेकिन खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। खाद्य विभाग के संरक्षण में मिलावटखोर बड़े पैमाने पर नकली खाद्य पदार्थ बनाकर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद मैनपुरी कस्बा बेबर में देखने को मिला है, जहां नकली घी कारोबारी अनिल कुमार और पप्पू गुप्ता बड़े पैमाने पर खाद्य विभाग के संरक्षण में कई वर्षों से मिलावटी घी का काम करते हुए लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिसकी भनक जब मीडिया को लगी तो पर्दाफाश करने के उद्देश्य से मीडिया कर्मियों ने गाड़ियों से नकली घी व केमिकल को उतारते हुए एक वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया। इसके बाद माफियाओं ने मीडिया कर्मियों को बंधक बनाकर उनके साथ अभद्रता कर दी और उनके मोबाइल भी तोड़ डाले। जब मीडिया कर्मी घी माफियाओं के बंधन से मुक्त हुए तो उन्होंने तत्काल केमिकल से बनी नकली घी की जानकारी खाद्य विभाग के अलावा स्थानीय थाना अध्यक्ष को दी। इसके बावजूद भी घी माफिया के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। मामले की जानकारी मीडिया कर्मियों ने जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण के अलावा पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह को एक कार्यक्रम के दौरान दी। तब कहीं खाद्य विभाग की नींद जागी और घी माफिया के गोदाम को सील किया, यहां तक मामले को दबाने में जुटी हुई है। इस संबंध में जब खाद्यान्न विभाग के आला अधिकारी से बात की गई तो क्या कहते हुए नजर आए, हम दिखा रहे हैं आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से। क्या नाम है, आज क्या घटना हुई आपके साथ? कुलदीप दीक्षित नाम है। और घटना ये हुई कि मतलब हम सुनने में आ रहा था कि यहाँ नकली घी बन रहा है, जैसे ही वहाँ पहुँचे तो गाड़ी नकली घी जो है उतर रही थी, देसी घी की, और नाम उनका पप्पू है और एक का नाम धर्मेंद्र, सुनने में ये आ रहा है। पुराना बाजार की घटना ये है और हम लोगों के कैमरा छीन लिए गए, मोबाइल भी छीन लिया गया और ये घटना हमारे साथ हुई। आज नाम है जहीर अहमद है। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना आज बेबर में जो नकली घी बन रहा था, इंडिया न्यूज़ के कैमरामैन जहीर अहमद जो आज कवरेज करने गए थे और साथ में इंडिया न्यूज़ की टीम भी थी, और जहां नकली घी बन रहा था संचालित कर रहे थे पप्पू गुप्ता जी और उनके और भी बेटे थे धर्मेंद्र और भी बेटे, जिन्होंने कवरेज के दौरान बंधक बना लिया है और हाथापाई भी कर दी है। साथ में किसी तरीके से हम लोगों ने बड़ी ही मिन्नत करके उनसे बाहर आए और बाहर आने के बाद थाने पहुंचे, जिस पर हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। कार्रवाई की गई है? क्या कुछ कार्रवाई की गई है? सोशल मीडिया पे एक जानकारी मिली थी कि कोई अपमिश्रित या कुछ है इस टाइप का घी का कोई गोदाम है, तो परसों डीएम साहब ने इसका संज्ञान लिया और वहाँ जांच करवाने के लिए कहा। जो टीम भेजी गई थी लेकिन उस दिन कारोबारकर्ता मौके पर नहीं आया था, काफ़ी देर तक टीम इंतज़ार करती रही, तो उस दिन फिर दुकान को पैसे के वैसा सील कर दिया गया था कि जब वो आ जाएगा, वो उपस्थित हो, उस पर एक चस्पा कर दिया गया था सूचना कि वो आए और अपनी जाँच करवा ले अपनी उपस्थिति में, तो अभी वो सील है, अगर वो आता है तो उसको खोल के और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर वो नहीं आता तब क्या कार्रवाई करने वाला विभाग? अगर वो नहीं आता है तब तो फिर वेट करेंगे और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में फिर उसका जांच की जाएगी। अगर सील के दौरान कोई सैंपल भरा गया? नहीं, सील के दौरान कोई अभी तो जब कोई था ही नहीं, वो बंद थी दुकान और उसको बुलाया गया था लेकिन वो मौके पर नहीं पहुंचा था उस दिन। अगर वो आता है तो उसकी उपस्थिति में की जाएगी, नहीं तो फिर डीएम साहब को पूरी स्थिति से बता के और एक निष्पक्ष मजिस्ट्रेट की। सर, जानकारी मिली है कि उस गोदाम पे जो फैक्ट्री है उसके पीछे भी जो ना दरवाजा है उसके द्वारा जो ना सैंपल को निकाल माल को निकाला, गोदाम को खाली किया जा रहा है, सर जानकारी मिली है? अभी ये तो जब खोला जाएगा तो पता लगेगा कि वहाँ की स्थिति क्या है, अभी क्लियर नहीं है कि क्या। अगर सर दोषी पाए जाते हैं तो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? ये घी का नमूना लेके जांच के लिए भेजा जाएगा और जांच में क्या निकलता है, जांच में किस टाइप की चीज उसमें निकलती है, अगर ठीक निकलता है तो कोई बात ही नहीं है, अगर उसमें फिर मिलावट के हमारे यहाँ श्रेणीकरण है, किस श्रेणी की मिलावट है, कैसी है,
फिर उस हिसाब से आगे कार्रवाई। सर, स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभाग, खाद्य सत्र विभाग और तमाम लोग उसमें मिले हुए हैं, इसलिए बाहर से सील कर दिया गया और माल निकलवा दिया जाएगा, इसके बाद सैंपल ही नहीं करा जा सकता, ऐसा कुछ आरोप लगाया? नहीं, जो दिख रहा था उसी हिसाब से सील कर। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयां और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयां। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।